और ये है हमारी सिया। वेल, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसी खूबसूरत प्यारी सी मीठी सी डिश जो एक्चुअली सिया की बहुत फेवरेट है। एक्चुअली तो मुझे हर फूड इंटेक के बाद डेजर्ट क्रेविंग होता है, आपको भी होता है क्या? लेकिन इस लॉकडाउन में, इस नाइट कर्फ्यू में हम अपनी इस नीड को कैसे फुलफिल करें? तो चलिए, परेशान होने की नहीं है बिल्कुल भी जरूरत, क्योंकि हम आज बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर और बनाते हैं बहुत ही प्यारी स्वीट डिश गुलाब जामुन। आइए देखते हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। चलिए हैव अ लुक। ये है मेरा खोआ, ये मैंने घर पे तैयार किया है। अगर आप बाजार से मावा ला रहे हैं तो वहां पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक पिंडी वाला और एक रसगुल्ले वाला यानी कि धाप वाला। ये इसको मुझे कन्वर्ट करने के लिए डो में थोड़े से मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी तो मैंने दूध लिया है। यहाँ मैं फ्राई करने के लिए देसी घी का यूज कर रही हूँ, ये मेरे घर का देसी घी है, आप चाहें तो रिफाइंड यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैदा, चीनी, पनीर और खूबसूरत फ्रेग्रेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं इलायची पाउडर। मैं इसको क्रश करके पाउडर में कन्वर्ट करूंगी। पहले हम पनीर को एक प्लेट में अच्छे से बारीक कर लेंगे। आप उसे अच्छे से हथेलियों से दबा दबा कर पूरा इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद हम इसमें हमारा मावा ऐड करेंगे लाइक दिस। उसके बाद हम अपनी जो क्वांटिटी हमने मैदा की ली थी उसको इसमें धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। सारी चीजों को मिक्स करके हमने इस तरह का डो तैयार कर लिया है और इसमें हमने अपना इलायची पाउडर मिक्स कर दिया है। इसको एक बार और मिक्स करेंगे और उसके बाद ये बिल्कुल तैयार है। कढ़ाई में मैंने घी डाल लिया है और मैं गैस को ऑन कर रही हूँ और इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। दूसरी साइड पर मैंने बर्तन रख के शुगर सिरप तैयार करने के लिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। इसको मैंने हाई फ्लेम पे रखा हुआ है ताकि पानी जल्दी बॉईल हो जाए। बॉईल होने के बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। डो के इस तरह से आपको सर्कल्स में बनाने हैं और कोशिश करनी है कि उसमें बिल्कुल भी क्रैक ना आए। और जैसे ही आपका घी गर्म हो जाए मीडियम फ्लेम पर हम एक एक करके अपने गुलाब जामुन को देसी घी में डालेंगे। इसी तरह हम अपने बाकी के गुलाब जामुन को भी कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे। हमारा शुगर सिरप वाला पानी गर्म हो गया है तो हम उसमें शुगर ऐड करेंगे। हमारी चाशनी तैयार हो गई है। इसको चेक करने के लिए हम थोड़ी सी स्पून के ऊपर लेंगे और ठंडा हो जाने के बाद इसे हाथ से छू कर देखेंगे। हमें इसे एक तार की बनाना था, ये बिल्कुल सही बन गई है, परफेक्ट है। तो आप भी इसे इसकी कंसिस्टेंसी से भी ट्राई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑयल की तरह गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए हमने अपने सारे ऑलमोस्ट गुलाब जामुन बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिए हैं। ये कुछ हैं जो अभी भी वर्क ऑन प्रोग्रेस पर है और अब हम गरम चाशनी के अंदर अपने सारे गुलाब जामुन शिफ्ट कर देंगे। याद रखिएगा चाशनी ठंडी नहीं होना चाहिए और गुलाब जामुन भी ठंडे नहीं होने चाहिए, दोनों ही चीजें थोड़ी थोड़ी गरम होनी चाहिए। इस तरह डिप करके हम अपने सारे गुलाब जामुन को कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए सोक करके रखेंगे एंड उसके बाद सर्विंग प्लेट में शिफ्ट करेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेगा। मेरी अगली रेसिपी के लिए स्टे विद मी। बाय बाय।